हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? छुट्टियों के मजे ले रहे हो या पढ़ भी रहे हो घर पे? अरे बढ़िया है, घर पे मस्त अपना घर पढ़ रहे हो, किसी का टेंशन नहीं है, कोई डीपी को टेंशन नहीं है ना कोई यूनिफॉर्म को टेंशन, ठीक है, मजा आ रहा है घर पे। ठीक है, हम वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट दोनों पढ़ लिए थे बेटा, दो वैक्टर्स के लिए था वो। अब हम थोड़ा सा और आगे उसके एक्सटेंड करते हैं, क्या चीज, अगर हमारे पास तीन वैक्टर्स आ जाए, ठीक है, ए बी सी। अब वो तीन वैक्टर के अंदर हम तीनों वेक्टर का हम दो तरह से कर सकते हैं, एक तो होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हम पहले पढ़ते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है और उसका यूज क्या है, कहां इसको हम यूज करेंगे। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है बेटा, पहले इसको डिनोट किससे करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं पहले, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके, हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी सी, या हम इसको ए बी सी हो गया, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं डी सी ए, ठीक है। हम इसको ये भी कह सकते हैं सी ए बी, यानी पहले सी आ जाए फिर बी ए आ जाए फिर बी आ जाए, यानी इस तरह से कंटिन्यूटी रहे, ए बी सी या फिर बी सी ए या फिर सी ए बी, ठीक है। या हम इसको और क्या कह सकते हैं, ए बी सी को यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बिटवीन थ्री वेक्टर्स, ये आल्सो इक्वल टू किसके इक्वल होगा, अगर मैं कहता हूं इनमें से किसी भी एक को इंटरचेंज कर दे, जैसे मैं ए को यहां ले जाऊं सी को इधर ले जाऊं, तो ये क्या इसके इक्वल होगा, बी वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर, नहीं ये इसके इक्वल नहीं है, ये माइनस के इक्वल होगा, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर इन दोनों में से किसी को इंटरचेंज कर दो, किसी भी एक को, पहले बी आ गया फिर ए गया, तो भी किसके इक्वल हो गए, माइनस के। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की दो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर थ्री, हम इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर को ये कह सकते हैं बेटा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी डॉट सी, या ए डॉट बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी डॉट सी या फिर ए डॉट बी क्रॉस सी, हम इसको ये बोल सकते हैं। उसके बाद नंबर फोर, अगर इनमें से ए बी सी में से किसी कोई भी दो एनी टू वेक्टर्स फ्रॉम ए बी सी, ए बी सी में से आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल, ठीक है, देन इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा ना, यानी कि ए बी सी, वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, जीरो के। इट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो इफ थ्री वेक्टर्स दैट आर गिवन आर कोप्लेनर, आर कोप्लेनर मीन्स दे आर इन सेम प्लेन, देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी, एक प्रॉपर्टी और आ गई, यानी प्रॉपर्टी मीन्स ये तो होगी मेन प्रॉपर्टी पांच। अब बात आती है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करते कैसे हैं, ठीक है, यानी ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, आप क्या कर सकते हो, ए को बी के साथ पहले क्रॉस प्रोडक्ट करें, उसके बाद सी के साथ जो आंसर आए सी के साथ क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट, या फिर बी क्रॉस सी को आपस में क्या करो, क्रॉस प्रोडक्ट करो, फिर ए के साथ क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो या फिर एक साथ ही हमें करना है, हमें ये नहीं करना है डॉट क्रॉस, सीधा ये कि मैं मतलब डायरेक्ट उसका आंसर निकालना है, ए बी सी तीन देर क्या हो, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे करें तो देखो बेटे, तो नोट कर सभी प्रॉपर्टीज है भाई, देखो नेक्स्ट, जैसे आपको दिया हो ए वेक्टर इक्वल टू लेट, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वन आई कैप, ए टू जे कैप, ए थ्री के कैप, ठीक है।
और बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वन आई कैप, बी टू जे कैप, बी थ्री के कैप। सेम ऐसे सी वेक्टर इज इक्वल टू दिया हूं सी वन आई कैप, सी टू जे कैप एंड सी थ्री के कैप, दैट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। एक्स एक्सिस में इसका कोऑर्डिनेट कितना ए वन है, वाई में ए टू, जेड में ए थ्री, ऐसे सभी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इस तरह सभी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं सभी। तो अब इनका हम क्या करेंगे बेटा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि ए बी सी इज इक्वल टू कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड से, यहां ए के पहले फिर बी के फिर सी के, या फिर मैंने आपको क्या बताया था बी का सी का फिर ए का, या फिर सी ए बी का, इस तरह से लिखोगे। ये नहीं है कि आप पहले ही क्या लिख दो बी फिर ए फिर सी, ऐसे नहीं। तो पहले ए के कंपोनेंट लिख देंगे आप, तो क्या ए के कंपोनेंट ए वन ए टू ए थ्री, ठीक है। बी के कंपोनेंट क्या है, बी वन बी टू बी थ्री, सी के कंपोनेंट क्या है, सी वन सी टू सी थ्री, ठीक। चलो अब करो उसको, जिस तरह से आप क्रॉस प्रोडक्ट करते थे वैसे करो, ए वन एज इट इज, ए वन एज इट इज छोड़ दो, ये कॉलम और ये रो दोनों छोड़ दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई बी टू सी थ्री, बी टू सी थ्री माइनस सी टू बी थ्री, सी टू बी थ्री, ठीक है। फिर क्या लगाते हैं, माइनस 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 ए टू, ए टू कॉलम छोड़ दो रो छोड़ दो, तो बी वन सी थ्री, बी वन सी थ्री एंड सी वन बी थ्री, सी वन बी थ्री, दिस इज बी, ठीक है। उसके बाद ए थ्री प्लस ए थ्री, ए थ्री मत हो, ये कॉलम ये रो, बस यहां माइनस का दायरा बस, अब ए थ्री, ए थ्री छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो बी वन सी टू, बी वन सी टू माइनस सी वन बी टू, माइनस सी वन बी टू, ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। अब आप कहोगे सर ये यूज कहां होता है, जनरल इसका न्यूमेरिकल किस नाम से आता है, किस कब करें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो एक इसका सबसे कॉमन जो न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल है वो होता है वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोग्राम, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोग्राम इफ द थ्री एजेस आर गिवन, ठीक है। अब उसको नोट करें, देखो नेक्स्ट आ गया, यानी वॉल्यूम ऑफ पैरेलल, इफ इसका एग्जांपल बता रहा हूं मैं, इफ इफ ए वेक्टर एंड ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर थ्री एजेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, then volume of parallelepiped, volume of parallelepiped वो किसके इक्वल होगा बेटा, वो होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल ये होगा बेटा, ठीक है। जैसे मैं एक न्यूमेरिकल लेते हैं इसके ऊपर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, जैसे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम का आपको दिया हो, ठीक है, देखो जैसे जैसे एक न्यूमेरिकल लेते हैं क्वेश्चन है कि गिवन है ए वेक्टर इज इक्वल टू थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू थ्री आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप एंड C वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस एम जे कैप
प्लस थ्री के कहते हैं, ठीक है। आर द थ्री एजेस, आर द थ्री एजेस ऑफ ए पैरेलल पाइप स्पेलिंग देख लेना बेटा, पैरेलल पाइप इफ वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, वॉल्यूम ऑफ ए पैरेलल पाइप इज 30, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू क्या होगी। यार आपको ए बी सी तीन वेक्टर दे दिए, किसी भी पैरेलल पाइप के एजेस ऐसा रहे और वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप कितनी है 30 है, देन फाइंड द वॉल्यूम ना द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू क्या होगी बेटा। तो क्या करोगे वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप के लिए, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर दो आप इसका, तो वॉल्यूम कितने रखिए, देखो सॉल्यूशन इसका, तो मैसेज आ रहा था वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप वी किसके इक्वल, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इक्वल, एंड दिस इज इक्वल टू कितने रखिए 30, तो इसको करो इज इक्वल टू पहले कोफिशियंट ए फिर बी फिर सी, ए का एक्स का कोफिशियंट क्या है 3, वाई इसका वाई का -2, जेड का 1, इसका एक्स का 3 1 -2, इस सी का एक्स का कोफिशियंट कितना है 1, वाई का एम जेड का 3, ठीक है, करो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो 30 इक्वल टू 3 as it is, ये छोड़ दो यानी मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये कॉलम और ये छोड़ो, तो इसके इससे मल्टीप्लाई कितना आएगा 3 माइनस ये क्या आएगा -2m, ठीक है, यहां क्या लगाते हो माइनस और -2 है यहां पे, चलो आगे ये कॉलम ये रो 3 3 9 क्या लगाते हो माइनस और ये -2, चलो आगे क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए बेटा अच्छे से, बार प्लस 1 ये छोड़ दो, उसके बाद ये रो और कौन से ये कॉलम, तो 3m और -1 कितना है बेटा 30 इज इक्वल टू 3 माइनस कितना बन गया 3 प्लस 2m, ये हो गया प्लस 2, 9 प्लस 2 कितना हो गया 11, प्लस 1 हो गया 3m-1, 3n-1, सोल्व करो सारे को एक बार, 30 इज इक्वल टू 3 3 कितना हो गया 9 प्लस 6m प्लस 22 प्लस 3m-1, तो 6m प्लस 3m कितना हो गया 9m, 9m 22 9 31 31 माइनस कितना हो गया 30 31, एंड माइनस वन कितना हो गया 30, तो 9m प्लस 30 इज इक्वल टू कितना है 30, ये आंसर कितना आ गया 0 आ गया ना, क्योंकि 30 माइनस 30 कितना हो जाएगा 0, तो यहां पे m की वैल्यू कितनी है 0, मे बी कोई और वैल्यू होती, मैंने कोई कॉमन एग्जांपल लिया ऐसे, तो आप यहां पे कोई भी एक वैल्यू यानी यहां पे m कोफिशिएंट है ही नहीं, ठीक है, तो अगर इसके जैसे हो रहा था यहाँ पे कोई 4 हो जाता तो ये जीरो नहीं आता आंसर, तो आपको पता चलेगा कि हम वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज क्या होगा, अगर आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप निकालनी हो तो उसका क्या कर दो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। तो ये तो एग्जाम्पल था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, एक मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, ठीक है, देखो के बच्चों जो वेक्टर्स आप पढ़ रहे हो ना, ये वेक्टर आपको हमेशा काम आएंगे, आप मैथमेटिक्स के हो, ठीक है, आपके मैथ बहुत काम आएंगे, बीएससी तक आपके काम आते हैं ये वेक्टर्स,
मेडिकल के जो बच्चे हैं वीर उनसे कि भाई हम तो क्यों पढ़े इस वेक्टर्स को, ये बस प्लस वन खत्म हो जाएगा। नहीं बेटा, प्लस टू के अंदर हर एक क्वांटिटी, हर एक जॉब तो निकालोगे ना, जैसे मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर आएगा, उसमें फोर्स का चैप्टर आएगा, उसमें जो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी उसमें नेट अगर आंसर निकालना पड़ेगा तो वेक्टर एडिशन ही इनका काम आएगा। तो आप वेक्टर का पढ़ना, वेक्टर को अच्छे से पढ़ो, वेक्टर को मत छोड़ो, ठीक है। ठीक, आगे देखो बेटा, नेक्स्ट है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और एक बात बेटा मैंने आपको पहले कभी नहीं कहा, प्लस वन के बच्चों बेटा नोट्स अच्छे से बनाओ। ये नहीं कि हम घर बैठे हैं, ठीक है हम वीडियो सुन रहे हैं, वीडियो से काम चल गया है, वीडियो से काम, वीडियो को रोक के पॉज करके उसको जो हमने लिखा उसको उसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसका नोटबुक उसको उतारें। अगर आपके पास किसी छोटे भाई बहन के पास जो आपके जो जिनने प्लस वन कर ली, बड़ा भाई होगा, उससे बुक अगर ले सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कम से कम जो मैंने करवाया उसको अच्छे से नोट्स में उतार के उसको अच्छे से काम करें, ठीक है। तो स्कूल लगेंगे, पता नहीं कब लगेंगे। आप ये मत देखो कि हम इसको इसको रिवाइज करें, इसी को बढ़िया से कर लें, हम तो स्कूल लगेगा तो उसे आगे करवाएंगे, ठीक है। तो इतना बेटर यहां से मैं क्या सभी को समझ में आ रहा होगा, और फिर भी अगर किसी को नहीं आ रहा हो तो मेरे पास कॉल करें, ठीक है, मेरा नंबर आपके पास है, उस पर कॉल करके पूछ सकते हो सर ये लाइन समझ में नहीं आ रही, या आवाज समझ में नहीं आ रही, या राइटिंग समझ में नहीं आ रही, तो आप फोन कर सकते हो एनी टाइम, ठीक है बेटा। तो एनी डाउट हो कोई कि सर आप ये दोबारा करवा दो या हमें नहीं आया, पर्सनली आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप लिख सकते हो उस पर आप, ठीक है। तो नोट्स अच्छे से बना, ये नुस्खा से कम प्लस वन में है, हम घर बैठे हैं, हाँ ठीक है, आपकी मौज हो रही है, कोई बात नहीं, छुट्टियां हैं, आज तक नहीं छुट्टियां कभी इतनी, आपकी किस्मत थी आपको मिल रही है, ठीक है। तो आगे देखो बेटा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होगा बेटा, जैसे हम ये कहें ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो आप ऐसे भी कह सकते हो उसको, तो पहले क्या करें कि भाई बी ए वेक्टर है, एक सी वेक्टर है, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करें, फिर उसका जो आंसर आए उसको ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, ठीक है, हो जाएगा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट आपने देखा होगा बड़ा पड़ता है, लेंथी होता है, तो हम इसकी प्रॉपर्टी को हम ये कह सकते हैं क्या बेटा कि बी डॉट बी इंटू सॉरी बी डॉट नहीं बी इंटू ए डॉट सी, ठीक है, माइनस सी इंटू ए डॉट बी, यानी डॉट प्रोडक्ट से भी आप क्या निकाल सकते हो, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। दूसरा, अगर यहां से ए क्रॉस बी एंड क्रॉस सी, तो पहले क्या करोगे, ए के बी, ए के साथ बी का क्रॉस प्रोडक्ट, उसका जो रिजल्टेंट आए उसका सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो दो बार क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। नहीं तो हम ये भी कह सकते हैं इसको कि बी डॉट ना सॉरी बी इंटू ए डॉट सी, बी इंटू ए डॉट सी एंड माइनस a into b dot c, b dot c, जो भी है क्रॉस प्रोडक्ट में होता है वो पहले b है तो यहां b बाहर आएगा, फिर माइनस में c बाहर आ जाएगा। अब b बाहर होगा तो किसका डॉट प्रोडक्ट, a का और c का, और अगर c बाहर होगा तो किसका डॉट प्रोडक्ट, a का और b का। अब इसको a dot b कह दो या b dot a, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी इसकी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा, ऐसे हम करें कि a क्रॉस b क्रॉस c, तो कौन है पहले किसका ब्रैकेट में कौन है, ए और बी, तो पहले हम क्या करते हैं बी को कर दिया, तो बी का हो जाएगा क्या आ जाएगा ए डॉट सी, फिर ए आ जाएगा ए बी डॉट सी, ठीक है। तो ये है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। आपको एक एग्जांपल लेके न्यूमेरिकल लेके इसको बताता हूं मैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ए वेक्टर दे रखा है बेटा क्या, टू वाई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, ये ए वेक्टर हो गया। बी वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। सी वेक्टर इक्वल टू हमारे पास आ गया आई कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, ये आ गया, ठीक है। ये तीन वेक्टर हमें दे रखे हैं, हमें क्या करना है इनका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कौन सा, ये करना है हमें कि ए क्रॉस
ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये हमें फाइंड करना है। तो आप क्या करो, हम ये कर सकते हैं पहले तो क्या कि बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे आप, बी का और सी का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे आप, बी का और सी का क्रॉस प्रोडक्ट जो भी आए उसका आंसर ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। क्रॉस प्रोडक्ट मैं आपको बता चुका हूं और आप उसको सीधा शॉर्टकट इससे कर सकते हो। क्या मैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी को क्या लिख सकता हूं, बी इंटू ए डॉट सी, बी इंटू ए डॉट सी। तो क्या करें इसका सॉल्यूशन देखो बेटा, तो क्या करें बी इंटू ए डॉट सी, तो बी क्या है ये है बी लिखो, बी बी क्या है आई कैन माइनस जे कैन प्लस टू के, ठीक है बी इंटू क्या ए डॉट सी, ए का और सी का डॉट प्रोडक्ट, ए का और सी का डॉट प्रोडक्ट तो कितना होगा i डॉट i1 होता है, j डॉट j1 होता है, k डॉट k1 होता है, तो 2 इंटू यहां पर सेंट कितना है 1, तो 2 इंटू 1 टू माइनस 1 माइनस 2 कितना हो गया प्लस 2, ठीक है प्लस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 3, क्लियर ठीक है। उसके बाद क्या है माइनस माइनस c वेक्टर, c वेक्टर क्या है ये है मींस i कैन माइनस 2 j कैन माइनस k कैन, क्लियर। और डॉट प्रोडक्ट किस चीज का बेटा, डॉट प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी का, ए डॉट बी ए का बी के साथ, तो आई डॉट आई कितना हो जाएगा वन, तो टू इंटू वन टू, ठीक है माइनस वन माइनस वन कितना हो जाएगा प्लस वन, उसके बाद प्लस थ्री प्लस टू सिक्स, बस अब इसको एड कर ले करो इसको इस सॉल्यूशन में, ठीक है देखो बेटा कितना आ गया आई कैन यानी पहले ये कर लो 2 2 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, तो सीधा ही बचेगा ना i माइनस j प्लस 2 k का, क्लियर। फिर माइनस कितना हो गया 6 2 8 और ये कितना हो गया 9, तो 9 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, बाहर माइनस है तो सारे साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो माइनस 9 i क्या हो जाएगा प्लस 18 j और प्लस कितना हो जाएगा 9 k का, ठीक है। अब इनको ऐड कर दें, ऐड करोगे तो माइनस 9 प्लस 1 कितना होगा माइनस 8 आई के 18 प्लस और ये माइनस कितना हो गया 17 17 प्लस होगा हाँ प्लस 17 जे के एंड 2 प्लस 9 कितना हो जाएगा 11 के के, मतलब छोटा सा हुआ ना। नहीं तो आप इसको क्या करोगे, पहले बी का सी का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे डिटरमिनेंट मेथड से, फिर उसका जो आंसर आएगा ए से फिर से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो बहुत लेंथी हो जाता है। तो अगर आप इसके प्रॉपर्टी सीधा याद कर सकते हो तो सीधा हम दोनों पर डॉट प्रोडक्ट करेंगे एक बार, फिर इसका और दोनों को ऐड करेंगे उसका रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे पास डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में, आपके आईटीआई एग्जाम में, आपके पीएमटी एग्जाम में, नीट के एग्जाम में कुछ नहीं आते, आप ये क्वेश्चन कर लिया अच्छे से, ठीक है ओके बाय बेटा।